तो ये अद्भुत दशा है पृथ्वी होने की। प्रारंभ में तो हनुमान जी के प्रति अविश्वास था, लेकिन भगवान जी के प्रति तो विश्वास उत्पन्न हो गया। इस समस्या का जो प्रारंभ हुआ था बहुत निर्देश हुआ। आप उस मूल प्रश्न पर ध्यान दें, ये जो विपत्ति आई, ये जो संकट आया, इसके मूल में क्या था? भगवान राम और सीता तो अभिन्न है, लेकिन प्रभु ने जब लक्ष्मण जी मन में गए हुए थे तो सीता जी से उन्होंने एकांत में ये कहा कि अब मैं एक ऐसी लीला करने जा रहा हूँ जो शुद्ध मानवीय और उसमें आपकी भूमिका अत्यंत कठिन है। और उस समय प्रभु ने आदेश दिया, भगवान श्री सीता को भिन्न नहीं हो सकती थी, पर उन्होंने अपनी ही पृथ्वी को वहां प्रस्थापित किया। तो भगवान राम के द्वारा जो लीला की गई उसका उद्देश्य क्या? मानो प्रभु और सीता जी के संदर्भ में ये जो लीला है वो हम सब लोगों के लिए महान संदेश का हेतु है। उसमें जो लिखा हुआ संदेश है और उस संदेश का तत्व यह है कि एक और तो बालकांड में प्रभु और सीता जी के मिलन का प्रसंग है और आरण्यकांड में भी उनका प्रसंग है। मिलन कब होता है? ईश्वर से मिलन की अनुभूति कब होती है और ईश्वर से दूरी का अनुभव कब होता है? तत्वता दूरी नहीं है पर ऐसा लगता है और महत्व तो लगेगा ही। और वहां पर सूत्र यही है कि सीता जी के अंतःकरण में पुष्पवाटिका प्रसंग में मनुष्य में अनेक संकल्प विकल्प आते हैं पर अंत में उनके अंतःकरण में एक दृढ़ निश्चय का हो जाता है। शंकर जी को बनाया, देवी पूनम को बनाया, गणेश जी को बनाया, धनुष को बनाया, पर लगा कि किसी और से कोई उत्तर नहीं मिला। और जब कहीं से उत्तर नहीं मिला तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि उनकी दृष्टि प्रभु के चरणों की ओर ही चली और उन्होंने एक निश्चय एक व्रत लिया या बोले प्रभु का निश्चय प्रेम पर खाना इसलिए और उनका मन यह है कि हम तोड़ने वाले को ही मैं अपने कन्या और सीता जी को स्नेह के कारण ऐसा लगता है कि ये तो इतने सुकुमार है कि धनुष तोड़ने का प्रश्न ही था। इससे धनुष नहीं पूछा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो उनको यही लगा ये देवी देवताओं से मैं प्रार्थना करूं और वो लोग सहायता करके धनुष तोड़वा दें। और वो केवल सीता जी नहीं, ये जितने जन प्रवासी हैं इनकी भावनाएं तो बड़ी उच्च कोटि की हैं। वस्तुतः अन्यत्र के जो व्यक्ति हैं वो भगवान से मांगते हैं और जन प्रवासियों में भगवान से मांगने की परंपरा है और सचमुच अद्भुत है। और उसका संकेत भी ईश्वर ने अगर महाराज दशरथ के घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया तो वही भगवान राम सीता जी के रूप में जन्म के घर में आते, पर एक के घर में पुत्र के रूप में और दूसरे के घर में पुत्री के रूप में। उसका मूल सूत्र पुत्र और पिता के संबंध में कामना होती। पुत्र के लिए पिता जब भी करता है उसको ये आशा रहती है कि जब मैं बिट हो जाऊंगा भविष्य में
पुत्र लय सेवा करेगा, तो वो तो लेन देन कामना का ही संबंध है और पुत्री का और पिता का संबंध तो कामना से जुड़ा हुआ है। वो ये आशा नहीं करता है कि पुत्री हमें कुछ देगी, बहुत उसके मन में पुत्री को भी अर्पित करना है और पुत्री के नाते से अर्पण ही है, वह तो सर्व निष्काम है। तो भगवान को निष्काम और सकाम दोनों को स्वीकार करते हैं, तो जनकपुरवासियों की भूमिका तो निष्काम का भी भूमिका है और इसीलिए गोस्वामी ने लिखा है कि केवल सीता ही नहीं, जितने जनकपुरवासी थे उनको निश्चित रूप की धारणा थी कि धन से चले गए और वो एक प्रमाण भी स्वीकार था। पर विशेष रूप से सीता जी की सखियों ने और श्री सीता जी ने श्री राम को वाटिका में देखा और वाटिका में जो दृश्य था वो ये था कि भगवान राम के हाथ में फूल का जोड़ा है, फूल तोड़ करके दोनों ने उन्होंने सजा लिया और स्वर्ण समेत बाम कर होना सागर कुमार सती सुखी होना। पर दृश्य में विचित्रता क्या है कि सीता जी का भी जान गया, सखियों का भी जान गया, क्या जितने सूर सुकृत संभाले और जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे जितना जन्म में धर्म कर्म पुण्य दान व्रत किया हो और जो कुछ है सबका पुण्य इनको लगता है और कृपा करो बड़े से मना मनाया भी तो उन्होंने एक देवता इसको बड़ी चतुर है जगत प्रवास नहीं किया और पुण्य का स्मरण करने के बाद वो कहती क्या है, कहना चाहिए कि ब्रह्मा जी आप पुण्य लेकर के इसे छोड़वा दीजिए। जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे गणेश जी वाला जैसे कृपा भक्तियों से प्रभाव अन्य किसी से क्यों नहीं करेंगे। लगा तो शंकर जी से तो धन ठीक नहीं है, जब रस प्रभाव ये तो बढ़िया से श्रद्धा होगी और कभी ये लगा कि अच्छा अगर किसी और देवता की सहायता से मनुष्य टूट जाए तो फिर टूटने के बाद नहीं शंकर जी को बढ़ोना आया कि मेरा धर्म किस देवता ने बढ़वाया मैं उसकी खबर लूंगा। तो उन्होंने चुनाव कितना सुंदर किया गणेश जी महाराज आप जो वो दूसरे के तोड़ने पर भले ही बुरा रहे पर अपना बच्चा जब कोई बच्चों तोड़ देता है तो माता पिता को मानना पड़ता है अपने बच्चे को एक तो हाथ तोड़वा देंगे तब तो शंकर जी कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। भारती जी तो वास्तव में से एक है ही कह रहे बच्चे हैं इनसे तो और क्या आशा की जा सकती है। तो श्री सीता जी पुण्य धर्म धर्म सब कुछ और सारे जनपुरवासियों का पुण्य अब उस सबको लेकर के श्री सीता जी की व्याकुलता इतनी है कि जयपुर होने के बाद उनको लगा कि अभी सहायता की मुझे दिखाई दे रही और तब उनकी दृष्टि चली गई। हाँ फिर राम की और उन्होंने निर्णय किया कि पिताजी ने प्रतिज्ञा की तो मैंने उसके बदले में प्रतिज्ञा की, उनकी प्रतिज्ञा धर्म नहीं है और मेरी प्रतिज्ञा प्रेम है। उनका धर्म ये कहता है कि धर्म तोड़ने वाले को मैं कन्या प्रेम पर था और ये तो प्रेम पर था और प्रेम पर क्या था विश्वास मन में आ गया
सोच ही मिलाई न कर सकते। जिसका जिसके प्रति सच्चा प्रेम होता है वह उसको प्राप्त होता है, इसमें रंग मात्र कोई संदेह महसूस किए है कि जीवन में विश्वास ही सबसे बड़ी है। और वो विश्वास साधना के बाद आवे, साधारण के बाद आवे, भूलने के बाद आवे, पर सबके अंत में सबके बदले में जब तक विश्वास का उदय नहीं होता तब तक दृष्टांत के रूप में याद लें कि जो बिजली के तार लगे हुए हैं जिसमें बिजली की कितनी शक्ति का प्रवाह होगा, लेकिन प्रवाह होने के साथ साथ यहाँ तार लगा देने से ही यहाँ प्रकाश हो गया है। तार लगाने के बाद जब भी उसके साथ राड लगाया गया या कोई प्रकाश के लिए अनेक उपकरण लगाए गए तभी वह बिजली की शक्ति प्रकट होगी। और उपकरण भी जितनी शक्ति वाला होगा, सामने जो वर्क लगा हुआ है या इधर जो लगा हुआ है उसको प्रकाश की मात्रा में बढ़ाना है। तो मानो भगवान की शक्ति को अगर भौतिक दृष्टांत दे तो बिजली के शक्ति का प्रवाह, लेकिन वह वस्तु कौन है जिसके माध्यम से ये प्रकट होता है, इसी का नाम है विश्वास। और वो अलग अलग जिसमें जितना विश्वास होगा, थोड़ा विश्वास है तो अल्प मात्रा में प्रकाश है, और जितना जितना विश्वास बढ़ता जाता है जो भगवान की शक्ति का अनुभव भक्त को बने। इसलिए सबको कहा जाना चाहिए कि सब कुछ के बाद भी भगवान राम जब सबरी जी को भक्ति का उपदेश देते हैं तो ये कहते हैं कि मंत्र जाप मेरी भक्ति ये मेरी भक्ति है बाकी भक्ति का मंत्र का जप करना। और वह दृढ़ विश्वास विश्वास का लगता है अभिमुख तो आप देखते हैं कि कभी कभी लट्ठू है बैठू जाता है और इसी प्रकार से कभी कोई लोगों का विश्वास भी चेतक जाता है भूल जाता है भूल जाता है। तो इतना बड़ा विश्वास है वो कि किसी तरह से वो विश्वास नष्ट न हो तो मंत्र की शक्ति जो है वो अपने आप व्यक्ति के जीवन में प्रकट हो जाएगी। तो समस्त साधनाओं का अपना विश्वास है और विश्वास के द्वारा ये सिद्धि होती है। तो श्री किशोर जी के हृदय में जब उन्होंने ये प्रण ले लिया उसके बाद भगवान श्री राम को ऐसा लगा कि यह तो बहुत बढ़िया होगा, बोले इनके पिताजी का भी प्रण पूरा हो जाए और बेटा भी पूरा हो जाए और संतोष से दोनों के का प्रतिज्ञा का उद्देश्य भी जनक भी चाहते हैं धनुष टूटे और सीताजी भी चाहते हैं धनुष टूटे। तो प्रभु प्रसन्न होकर के सीता जी की ओर देखते हैं और अंत में उनके द्वारा मनोरंजन होता है। वहां पहले आप लेकिन जनक जी लक्ष्मण को देख करके उनको जब ये लगा था कि साक्षात ईश्वर है तो उनको धनुष यज्ञ में बैठे देख करके भी ये चिंता होनी चाहिए कि तो बैठे गए मानो वो विश्वास नष्ट नहीं हो गया। एक होता है लक्ष्य हो गया और एक होता है आनंद हो गया। कोई वस्तु छूट गई तो लक्ष्य हो गई और जैसे आकाश में सूर्य है चंद्रमा है तारे हैं और होते हुए भी बादल आ गया तो बादल आ गया तो वो नष्ट नहीं हो गया केवल आवरण के कारण दिखाई दे रहा है। तो वस्तुतः अगर भक्तों के जीवन में कभी ऐसा दिखाई दे तो नष्ट तो होता नहीं पर एक आवरण आ जाता है। तो जनक के मस्तिष्क में मन में भी एक आवरण आ गया, उनको यही लगा कि अगर ये सचमुच ध्वज तोड़ सकते तो चेष्टा क्यों न करते। अब मैंने प्रतिज्ञा कर दिया, सभी लोगों ने प्रयत्न किया, सब लोग प्रयत्न करके थक गए, अगर इनकी सामर्थ्य होती तो अवश्य तोड़। यह संशय जनक का और भगवान राम का मनोदृष्टि
जब आपको विश्वास नहीं है तो मुझे क्या करना है। अब वो दृष्टि के विश्वास के द्वारा ही वो धर्म उत्पन्न होता है और मिलन सब